दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, 1 सितंबर से बदल जाएगी बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें, लागू हो रही नई व्यवस्था। बिहार के सरकारी स्कूलों की 1 सितंबर से तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग के जरिए हाउसकीपिंग की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। हाउसकीपिंग के तहत सभी स्कूलों में कमरे और बेंच डेस्क की सफाई की जाएगी। वहीं झाड़ू पोछा के साथ शौचालय और यूरिनल की सफाई से जुड़ी सभी कार्य को पूरा किया जाएगा। बड़ी खबर, अररिया में पत्रकार विमल यादव के घर पहुंचे शिक्षा मंत्री, दोनों बहुओं को दिलाएंगे सरकारी नौकरी। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दिवंगत पत्रकार विमल यादव के गाँव बिलसरा पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। पीड़ित परिवार को 50,000 की सहायता राशि देते हुए सरकारी मुआवजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही समाज को भी आगे आना होगा। मंत्री ने कहा कि पहले पंचायत के माध्यम से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता था, अब समाज के लोग जात पात और धर्म में विभक्त हो चुके हैं, इसके कारण समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा। मंत्री ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बुजुर्ग माता पिता अपने दोनों पुत्र खो चुके हैं, दो विधवा बहु, 3 छोटे छोटे अबोध बच्चे की जिम्मेदारी ढलती उम्र में उठानी होगी। बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक। स्कूल के कमरे में पशु चारा देखकर शिक्षकों को लगाई कड़ी फटकार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे, जिससे शिक्षकों और कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में के पाठक नालंदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगरनौसा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव के पाठक सबसे पहले मध्य विद्यालय नगरनौसा गए, जहां बच्चों से सवाल जवाब किए। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के लाइब्रेरी के कमरे में अंधेरा देखकर प्रधानाचार्य पर उखड़ पड़े। लाइब्रेरी में रोशनी का पूरा व्यवस्था करने का निर्देश दिया, साथ ही जनरेटर खरीदने का भी आदेश दिया है। बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने वित्तरहित और अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की बहाली प्रोन्नति पर किया अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय से यह निश्चित किया है कि राज्य के वित्तरहित एवं संबंधित अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की बहाली प्रमोशन या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जो निर्णय कॉलेज की गवर्निंग बॉडी लेगी, उसके निर्णय से पहले संबंधित विश्वविद्यालय से अनिवार्य अनुमति लेने की बजाय सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की स्वीकृति या फिर उनके परामर्श लेना ही पर्याप्त होगा। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने नूर आलम एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया। बिहार में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब मिलेंगे 25,00,000 रुपए। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अगर शहीद हो जाते हैं तो अब उनके घर वालों को तत्काल 25,00,000 रुपए आर्थिक अनुदान दिए जाएंगे। इसके पहले 2,00,000 रुपए की राशि भी दी जाती थी। नीतीश सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा निर्णय किया है। इसके दायरे में बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा IPS स्तर के अधिकारी तक भी सभी आएंगे। बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP राजविंदर सिंह भट्टी अध्यक्षता में संपन्न बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की नितिन गडकरी की तारीफ, कहा कि वो बहुत पॉजिटिव शख्स हैं, बातचीत भी अच्छी रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य में कई सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी से मुलाकात करके पत्रकारों से चर्चा करते हुए नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि नितिन गडकरी विकास को लेकर बहुत सकारात्मक है। हमने बिहार में उन परियोजनाओं को गति देने के बारे में बात की है जो पिछले 11-12 वर्षों से रुकी थी, बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। बड़ी खबर, बिहार में जाति जनगणना के बाद होगा आर्थिक सर्वेक्षण। पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश कुमार की सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है, जिसके बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव लगातार BJP पर हमलावर हैं और कई बार कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना से BJP डरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जाति जनगणना नहीं चाहते, यह जाति आधारित सर्वेक्षण है। जाति जनगणना संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार का अधिकार है, इससे हमें संख्याएं मिलेगी और हमें डेटा मिलेगा। हम एक आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि बिहार में जहां जहां गरीबी है, ये जान लेने के बाद योजनाएं लाया जाएगा और उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी स्कॉर्पियो, 5 लोगों की मौत। बिहार के सारण जिले में का स्कॉर्पियो सड़क के किनारे नहर में जाकर गिर गई। स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार थे, इनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। घटना के बाद लोगों ने सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 100 गोताखोरों की मदद से नहर से निकलवाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक रामचंद्र शाह के पुत्र नंदकिशोर ने बताया कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक श्राद्ध कार्यक्रम में ये लोग जा रहे थे। बड़ी खबर, बिहार में BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, टेम्पो और होटल मालिकों की मनमानी से छात्र परेशान है।
बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। राज्य के अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों से भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। सरकार ने इस परीक्षा को कराने के तमाम इंतजाम करने के दावे किए थे, लेकिन परीक्षार्थी इतनी बड़ी मात्रा में आए कि सभी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर तमाम परेशानियों का सामना करके पहुंच रहे और वह रेलवे और बस स्टेशन पर बैठकर रिवीजन कर रहे। बिहार में नीतीश कुमार नहीं मुकेश सहनी फैक्टर, वीआईपी सुप्रीमो। मुकेश सहनी ने कहा कि जो हमारी सुनेगा हम उनके सुनेंगे। मधुबनी से शुरू होगा यात्रा का दूसरा चरण। विकासशील इंसान पार्टी निषाद आरक्षण यात्रा के सहारे लोकसभा चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने में जुटी है। पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आज बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं रह गए बल्कि मुकेश सहनी फैक्टर बन गए। नीतीश कुमार फैक्टर को काटने के लिए सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन भाजपा ने आनंद फानन में चौधरी को नेता प्रतिपक्ष से हटाकर हरीश सैनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मुकेश सैनी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कहा कि मेरी प्राथमिकता लोकसभा सीट नहीं निषाद आरक्षण है। अगर प्रधानमंत्री निषाद को आरक्षण की घोषणा करते हैं और एक सीट भी नहीं देते हैं तो कोई परवाह नहीं। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और कहा कि बिहार में सिर्फ वादे किए जा रहे। बार बार वादा किया जाता है कि अपराध घटेगा, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई सॉलिड काम नहीं हो रहा। मांझी ने कहा कि यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। हदिया हो गई कि भाई की हत्या के बाद कोई गवाह पत्रकार भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मांझी ने कहा कि आजकल शेड्यूल कास्ट की प्रताड़ना बिहार में बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि गवाहों को हतोत्साहित किया जाता है, परेशान किया जाता है, इसी कारण वो साक्ष्य के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं। बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है। कोर्ट के निर्देश पर वो जमानत पर है, लेकिन अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि लालू यादव की जमानत रद्द कर दी जाए। बीजेपी के प्रवक्ता कुत्तल कृष्ण ने कहा कि सीबीआई एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत लालू यादव की जमानत को रद्द करने की बात कोर्ट में रख रही है। लालू यादव ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत ली थी और आज उनका स्वास्थ्य ठीक है। वो राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे, चुनावी मीटिंग में जा रहे, गठबंधन की मीटिंग में जा रहे, अपने घर जा रहे, लोगों से मिल रहे। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है और सीबीआई को उनसे कोई जानकारी चाहिए और वह चाहती है कि जमानत रद्द हो तो यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। बड़ी खबर, पटना के बीजेपी नेता नीलेश मुखिया का 24 अगस्त को दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। एक तरफ उनकी शव यात्रा निकाली गई तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने आरोपी पप्पू राय की पत्नी और पूर्व डिप्टी मेयर रजनी देवी के घर पर हमला किया। पुलिस के सामने ही उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पुलिस और महिलाओं के बीच नोकझोंक हुई। इसके पहले भी नीलेश मुखिया पर फायरिंग के आरोपी पप्पू धप्पू राय के राज रिजॉर्ट पर भीड़ हमला करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। बड़ी खबर, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी बंपर बहाली। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। देर रात पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की खुलकर तारीफ की और कहा कि नितिन गडकरी बिहार की चिंता करते हैं और बिहार को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक बिहार में 4 से 5 लाख वैकेंसी आई है जिसमें लोगों को नौकरी मिली और इसी सरकार के अंदर 10 लाख लोगों को जो नौकरी देने का वादा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में भी भारी संख्या में वैकेंसी निकाली जाएगी। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उतरे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। कहा कि राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और बेहतर शिक्षा के लिए छात्र राज्य के बाहर प्लान कर रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा तो शुरू करा दिया है, लेकिन आश्वासन के बावजूद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की है। लाखों नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि उन्हें सरकार के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद थी और वो अब खुद को ठगा महसूस कर रहे। बड़ी खबर, बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जमुई के भी 13 केंद्रों पर प्रारंभ हुई। इस दौरान जमुई रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी भेड़ बकरियों की तरह जमीन पर सोते नजर आए। न राज्य सरकार और न ही जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए रहने के लिए किसी तरह की व्यवस्था की गई। इस वजह से कई परीक्षार्थियों को अपनी रात कुत्तों के बगल में बितानी पड़ी। जमुई स्टेशन पर परीक्षार्थी जमीन पर किसी तरह लेटकर अपनी रात बिताई ताकि वो अगले दिन परीक्षा दे पाए। बाहर से आए परीक्षार्थियों को होटल और गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलने के कारण उन्हें या तो किसी विवाह भवन या फिर रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। बड़ी खबर, चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत रद्द करने पर सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत रद्द करने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने 18 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। सीबीआई ने याचिका में कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने सजा के मुताबिक समय जेल में नहीं बताया।
सुनवाई से पहले मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बेचारे को तंग किया जा रहा, सब जानते हैं सीबीआई जानबूझकर लालू यादव को तंग कर रही है, केंद्र की ओर से सभी को परेशान किया जा रहा। वहीं आईआरसीटीसी मामले में जमीन के बदले रेलवे में सरकारी नौकरी देने के आरोप में राउत एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। इसमें लालू यादव के अलावा बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ सीबीआई की ओर से दलील रखी जाएगी। बड़ी खबर, राज्य के समस्तीपुर जिले में निर्भया जैसा कांड, चलती गाड़ी में नाबालिग से गैंगरेप, सड़क किनारे फेंका, 3 दिन तक रही बेहोश, पिता के साथ कोलकाता से लौटी थी समस्तीपुर। बिहार में निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया, एक नाबालिग जो कि 16 साल की है उसके साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया। समस्तीपुर की सड़क पर चलती गाड़ी में 3 किलोमीटर तक नाबालिग के साथ हैवानियत की गई, फिर बेहोशी की हालत में बिना कपड़ों के उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। 3 दिनों तक बेहोश रही लड़की। पिता के साथ कोलकाता से समस्तीपुर लौटी थी, जहां से 3 लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दोनों को बेहोश किया और पहले पिता को गाड़ी से फेंका। नाबालिग के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। इस मामले में 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद सलाउद्दीन और मोहम्मद अलाउद्दीन और यशवंत कुमार को गिरफ्तार किया गया है।